बागेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री फरी विवाद में पटना में चालतो दरबार अचानक रद्द कर्यो। पटना में 5 दिवस की हनुमंत कथा नु आयोजन करायु हतु। शनि ने रविवार कथा थे बाद आज दरबार रद्द करायो। धीरेन्द्र शास्त्रीए लोगों ने घरे थी टीवी पर कथा जो अपील करी, वधु लोगों ने कथा स्थले न आवा अपील करी छे। रविवार आखरी गर्मी कारण कथा में अनेक लोग बेभान थी गया था। गर्मी और धूल कारण अनेक लोग ने गुंगणावण थी थी। एक साथ भीड़ बाहर निकलता लोगों की तबियत खराब थी थी। अनेक लोग ने एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। तर त्यारबाद धीरेन्द्र शास्त्रीए लोग ने घरे ज कथा जो अपील करी थी। व्यवस्था में एक कार्यक्रम हो रहा पर्याप्त नहीं था। शासन व्यवस्था में भीड़ जरूरत से ज़्यादा आ गई। दो से तीन चार लाख का आकलन किया गया था। हमको लगता है कि उससे भी ज़्यादा कहीं लोग आ गए, जिसकी वजह से व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई। और बाबा ने बीच में ही कथा जब सुना रहे थे लोगों को, इस बीच में ही उनको स्थगित करना पड़ा चूँकि लोग बेहोश हो रहे थे। बाबा का ये मानना है कि हमारे जितने भी राम भक्त सुनने के लिए आते हैं, तकलीफ किसी को नहीं हो, आपके चैनल के माध्यम से हमारे बाबा तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि बाबा आप सिर्फ प्रवचन देने के लिए तैयार रहिए, हम सभी राम भक्त वो कार सेवक हैं जो आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। आपके आह्वान पर धूप में खड़े धूप देखिए, हम सभी सनातनी का तो यही मन है कि दीप दरबार बाबा लगाए, बाबा आए हम लोग के बीच में और उन्मोदन करे, पड़ोसी राम के नाम से सबके दिल में राम राम कर दे।